चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियों के वायदों की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए सत्य खबर की टीम पहुंच चुकी है छतरपुर के जोनापुर गांव में। मैं दीपा राणा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बोल सत्य बोल। गांव काफी पुराना है, लेकिन पुराने गांव में नई पार्टी आम आदमी पार्टी ने कितने काम नए किए हैं, क्या कुछ नई शुरुआत की है गांव के विकास के लिए, क्या कुछ नई नींवें रखी गई है, इसके बारे में यहां की जनता से बेहतर और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कहते हैं पब्लिक है सब जानती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक खान है जी। खान साहब, क्या लगता है परेशानियाँ क्यों है यहाँ पर? यहीं पर परेशानी, नाली वाली नहीं बनी हुई, इसमें पानी भर जाता है। पानी भर जाता है? हाँ, स्कूल के टाइम पर बच्चे भी नहीं आ पाते हैं, नहीं कोई गाड़ी कर पाती है, बंद हो जाती है पानी में। पानी की निकासी क्यों नहीं की गई? ये तो भाई नेत लोग ही जानते हैं। विधायक आए यहाँ पर? आए थे, मैंने करके पहले तो कुछ लोग कहते हैं करवा देंगे, अभी करवा देंगे, 10 साल हो गए स्कूल करते करते। 10 साल हो गए? हाँ जी। आपकी बार उम्मीद किससे है यहाँ की? आपकी उम्मीद है भाई बिरम सिंह कंवर से। बिरम सिंह कंवर से, ऐसे क्यों? ये उम्मीद है, इलेक्शन में हर बार काम करवाते रहते हैं। 10 महीने के लिए आप जिनका नाम ले रहे हैं ब्रह्म सिंह तंवर, 10 महीने के लिए पहले वही विधायक थे। हाँ, क्या कुछ हुआ उन 10 महीनों में? 10 महीनों में बहुत सी जगह ऐसे जगह कर दिया उन्होंने, पानी वानी सुविधा जो नहीं थी वो लगवा दिया है। वो लगवा दिया। कुछ युवा भी है यहाँ पर, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, क्या परेशानी है यहाँ की? यहाँ पे यही परेशानी है, एक तो यहाँ से ड्यूटी जो जाते हैं लोग उनको दिक्कत है, बारिश होती है बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे, 2-3 दिन फुट पानी भर जाता है। पानी की निकासी के लिए नालियाँ नहीं, निकासी नहीं है, और नाली के लिए बोल रखा है पर नाली नहीं बन पाई आज तक। यहाँ बोला हुआ है 5 साल तो होने वाले हैं यहाँ के विधायक करतार सिंह तंवर को, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, 10 साल हो चुके कम से कम, यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ। रोड ये 10-15 साल से ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल खस्ता हालत है इस रोड की, कुछ भी विकास नहीं हो इस रोड का। अब रोड के लिए तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुके हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाते हैं पर वो बनवाते नहीं है, वो सोचते हैं कि अब की साल ऐसे निकल जाए, इस बार अगले साल फिर अगले इलेक्शन में फिर ऐसे ही करेंगे हम। अच्छा, आते हैं कभी यहाँ पर देखने के लिए क्या हालात है? आते हैं, उद्घाटन करते हैं और चले जाते हैं नारियल फोड़ के अपने घर। नारियल फूटते हैं, काम होता नहीं? हाँ, यही काम है। उम्मीद किससे आपके? इस बार ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जो 10 महीने के लिए बीजेपी से पहले विधायक रह चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही है। ऐसा क्यों? वो ठीक है, वो काम करते हैं, उन्होंने काम भी किया है 10 महीनों में। 10 महीनों में काम किया? हाँ। उसके मुताबिक आप कहते हैं कि वो फिर से अगर विधायक बने? हाँ, वही बननी चाहिए। क्या कुछ काम हुआ उन 10 महीनों में? उन्होंने काफी काम किया है 10 महीनों में, ट्यूबवेल लगवाई है, जो स्कूल पास कराए है और भी काम कराए उन्होंने। यहाँ से जो राय निकल कर आई उनका कहना है कि 10 महीनों में काफी काम हुआ, तो एक सवाल यही लेते हैं कि क्या 4.5 साल में ये 10 महीने ज्यादा भारी पड़े, या फिर 10 महीनों में ऐसा काम हो गया जो 4.5 साल में नहीं हो पाया? 10 महीने में तो इतने काम करा दिए थे भाई साहब ब्रह्म सिंह जी ने कि 4.5 साल में तो आज तक कोई काम देखने को इस जौनापुर गाँव में तो हमें मिला नहीं है। हमारी इतनी समस्याएं हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं 3-3 फुट पानी इस रोड में भर जाता है, खस्ता हाल आप देख ही रहे हो, ना नाली है ना रोड है, पीने को पानी नहीं है लेकिन यहाँ पानी भर जाता है। पीने को पानी नहीं है? पीने को पानी नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि अब तो हर जगह पानी है। पानी तो है ही नहीं जौनापुर गांव में कहीं भी, एक ट्यूबवेल आज तक उन्होंने हमारे एरिया में नहीं लगाया आज तक। बहुत बड़ी समस्या है अगर पानी नहीं है, इस समस्या के निपटान के लिए कोई कदम उठाया गया विधायक की तरफ से? कोई कदम नहीं उठाया गया, यहाँ पे पहले विधायक थे बलराम तंवर जी कांग्रेस से, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। उससे पहले सोनिया वायर का पानी यहाँ पे ब्रह्म सिंह तंवर जी लेके आए थे अपने कार्यकाल में, जितना पानी वो लेके आए थे, आज 15 साल बाद उस पानी को डबल हो जाना चाहिए था पब्लिक के हिसाब से, लेकिन आज तक एक बूंद पानी उन्होंने नहीं बढ़ाया। अच्छा, आप यहाँ पर जिससे भी मैं पूछ रही हूँ सबका कहना है कि जो 10 महीने है ये आम आदमी पार्टी के कार्यकाल 4.5 साल पे भारी पड़े, ऐसा काम हो गया 10 महीने में जो अभी 4.5 साल में नहीं हो पाया, तो फिर क्यों, क्या वजह रही उनके हारने की? उनके हारने की वजह रही थोड़ी सी केजरीवाल के झूठे वादे, उन्होंने पब्लिक को जो बाहर से पब्लिक कॉलोनियाँ यहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं, जो जे कैंप है काफ़ी भीम बस्ती वगैरह हमारे यहाँ पे, उनमें लालच दे दिए लोगों को, आपको फ्री मकान देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, वो फ्री के चक्कर में सब लोग बह गए। विधायक की कुर्सी पर इस बार किसको देखते हैं? ब्रह्म सिंह तंवर को। आपको क्या लगता है इस बार विधायक की कुर्सी पर किसको होना चाहिए? विधायक की कुर्सी पे जो सेंटर में है वही स्टेट में होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो विधायक है वो ब्रह्म सिंह तंवर है। पार्टी को देख के वोट दोगे इस बार या चेहरे को देख के?
पार्टी को देख के तो जरूर देंगे, क्योंकि बिना पार्टी के तो काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारे जो है, अगर बीजेपी का आपके कैंडिडेट ब्रह्म सिंह आता है तो उसको पूर्ण बहुमत बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजेंगे। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात सुनते हैं तो लगता है कि काम बहुत है, धरातल पर क्या सच्चाई है? आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हो तो इतनी लंबी लिस्ट लेके केजरीवाल स्टेज उस पर खड़ा होता था स्टेज पे कि मैं शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनते जेल में भेज दूँ। शीला दीक्षित अच्छी जगह है, वो ऊपर चली गई, लेकिन केजरीवाल की वो लिस्ट अभी तक जेब में है। अब चुनाव आ गया है, अब दोबारा वो लिस्ट चालू हो जाएगी उसकी, क्योंकि अब शीला दीक्षित तो है नहीं, तो अब दूसरे के नाम की चालू हो जाएगी। उसका प्रोपगेंडा है झूठ बोलना। यहाँ से विधायक है करतार सिंह तंवर, उनकी लिस्ट में जो काम थे वो कितने हो पाए? विधायक की लिस्ट में तो 100% काम थे, लेकिन मेरे हिसाब से 10-12% काम वो कर पाया है। बाकी काम कहाँ गए? बाकी काम जेब में रह गए, उससे बात नहीं। उन कामों के लिए बोला जाता है, उनके पास जाते हैं, हाँ करेंगे, बिल्कुल इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, इस मने नहीं करते हो। अगर कोई जाता है विधायक के पास, उनसे सवाल हम पूछते हैं तो उनका कह रहे हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? अब ये तो आप भी जानते हैं, केंद्र सरकार के लिए वो शुरू से ही गाली देता आ रहा है, केंद्र सरकार के अगेंस्ट ही चल रहा है वो। उसके बाद जो है, जो हमारे गवर्नर हैं उनके खिलाफ चल रहा है, जो उनका अपना मुद्दा है, जिस मुद्दे के लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया, वो इसलिए बनाया था कि अन्ना हजारे का आंदोलन था और यूथ सारा का सारा अन्ना हजारे के साथ जुड़ा था, ना कि केजरीवाल के साथ जुड़ा था। आम आदमी पार्टी बनाई गई तो उसमें सबको ये लगा ये हमारी पार्टी है। आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो आम आदमी के लिए है, क्या आम आदमी के लिए काम कर पाए? वो आम आदमी की पार्टी नहीं रही है, ये आम आदमी की पार्टी नहीं रही, ये तो सिर्फ ढूंढा गया इस क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व है वो सबसे ज्यादा कहाँ जाके ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, कहाँ तोड़फोड़ करेंगे, कहाँ गलत काम करेंगे, वो लोग उन्होंने जोड़े अपने साथ। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं किया। उस टाइम तो खंबे पे चढ़ जाता था कि मैं बिजली के तार जोड़ रहा हूँ। उसके बाद बताओ कब उसने काम किया कि भाई मैं आज यहाँ पे आ रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। आज इसे देख लो, यहाँ पे जब बच्चे आते हैं इतने इतने पानी में आते हैं। तो इस बार हमारी उम्मीद है इस टाइम पे जो सेंटर में है वही स्टेट में होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे बीजेपी के अगर कैंडिडेट चुन के बीजेपी सरकार भेजती है ब्रह्म सिंह जी को, तो उनके साथ हैं और उन्हीं को जो है वोट देंगे। पिछली बार वो हारे, इस बार क्या यहाँ से जीत पाएंगे ब्रह्म सिंह देवर? उम्मीद तो है जी, सब साथ है उनके, युवा भी सब बुजुर्ग उनके साथ है और वो आएंगे भी इस बार। उनके साथ की वजह क्या है? वजह ये है अच्छे है, पहले तो सबसे पहले अच्छे है। अवतार सिंह देवर बुरे हैं? बुरे तो कोई भी नहीं है, बराबर नहीं है जी, काम करने का तरीका है ब्रह्म सिंह जी अच्छा काम करते हैं, सब जो उनका काम करने का तरीका भी अलग है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, सबकी सुनते हैं, फिर उन हिसाब से अपने काम वो करते हैं। हारने के बाद भी, अभी भी जो प्रेजेंट MLA है हमारा, उससे ज्यादा पब्लिक की सुनते हैं और पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, करतार सिंह तंवर जनता से जुड़ पाए? करतार सिंह तंवर इंजीनियर था, जिस वजह से उसको जिताया गया था कि हमारे क्षेत्र में जो है उससे ज्यादा समस्या को कोई नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे वो जो है उस टाइम पे जोनल इंजीनियर भी रहे थे, जी थे यहाँ पे फ्लड कंट्रोल में, तो ये था हर गांव ने ये सोचा था कि करतार जी को आने से, एक तो ये इंजीनियर है और हमारी जो निकासी का रास्ता है सबसे अच्छा तरीके से और वाटर लेवल के थ्रू ये यहाँ से निकासी करा देंगे। छतरपुर का ये गांव था जहाँ की हकीकत हमने आपको बताई, यहाँ से जो विधायक है लोगों ने चुना था कि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो नक्शा है वो बदलेगा, कुछ नए काम होंगे। गांव पुराना है लेकिन काम एक भी नया नहीं हुआ, गांव के साथ साथ काम है जो भी पुराने रह गए। लोगों ने बताया कि ब्रह्म सिंह तंवर जो बीजेपी से पहले विधायक रहे, पूर्व विधायक 10 महीने जो उनके रहे, 10 महीनों पर ये 4.5 साल भी भारी नहीं पड़ पाए। जो 10 महीनों में काम हुए, लोगों ने जो उनका रिपोर्ट कार्ड दिया, 4.5 साल में उनका जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ के विधायक का, वो शून्य नजर आया है। ये था यहाँ का सच। आपको क्या लगता है यहाँ से इस बार कौन बनेगा विधायक, किसको बनाएगी जनता विधायक की कुर्सी पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बताइए कि दिल्ली में इस बार आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते देखना। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।